वेलकम टू एसजीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार सिंह, आज मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत 1857 का प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम फर्स्ट इंडियन मूवमेंट ऑफ 1857 इसके बारे में मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा देश लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और लगभग 1761 ईस्वी से लेकर के 1947 तक, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इस बीच में अंग्रेजों ने हम पर बहुत ज़्यादा शोषण, अत्याचार और हमारे जो नागरिक थे, आम जनता थी, उनके साथ बहुत ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, जिसके कारण पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो पहला विद्रोह जो हुआ वो था 1857 का, जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1857 में जो संग्राम हुआ उसके पीछे पहले एक 100 सालों का, लगभग 1761 से लेकर के 1857, मतलब लगभग 100 सालों का जो अंग्रेजों ने दमनकारी नीतियां अपनाई थी भारतीयों के प्रति, आम जनता के प्रति, राजाओं के प्रति, नवाबों के प्रति, उनके वजह से आम जनमानस में, राजवंशों में, तत्कालीन जो राजवंश थे या बहुत से ऐसे नेता थे या क्षेत्रीय शासक थे, नवाब थे, उनके बीच में एक असंतोष की भावना पनपी। और इसने 1857 के संग्राम को जन्म दिया। अब मैं बात करूंगा इसमें मुख्य रूप से कि 1857 का जो विद्रोह था उसके कारण क्या थे, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें मुख्य रूप से कई कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, सामाजिक कारण थे और सैन्य कारण थे, और इनकी वजह से कुछ ऐसी तात्कालिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनकी वजह से यह विद्रोह जन्म ले पाया। पहला हम क्रमवार बात करेंगे, पहला जिसमें राजनीतिक कारण है उसमें मुख्य रूप से 3-4 तत्व थे जिन्होंने इस विद्रोह को जन्म दिया। पहला, उस समय जो लॉर्ड डलहौजी जो शासक था अंग्रेजों का, उसने एक नीति लाई थी कि उत्तराधिकार निषेध और गोद निषेध नीति। उसमें वो क्या करता था कि जिस किसी भी राजा या राजवंश के कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसका निकट, उसका पुत्र या पुत्री, तो वह उस राज्य को अपने हड़प नीति के जरिए राज्य को ले लेता था। इसके विरोध में भी बहुत से राजवंशों ने अपना विद्रोह किया। दूसरी बात थी कि उसने उस समय के कई जो क्षेत्रीय शासक थे उनकी पेंशन और उपाधियों को समाप्त कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से नाना साहेब और पेशवा बाजीराव की पेंशन समाप्त कर दी गई थी। इन्होंने भी अपनी पेंशन समाप्ति की वजह से और अपनी उपाधियों को वापस लिए जाने की वजह से असंतोष के कारण यह संग्राम जो हुआ इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगला पॉइंट है राज्यों को हड़पना। अंग्रेज क्या करते थे कि किसी न किसी तरह का एक आक्षेप लगाकर किसी के ऊपर, जैसे अवध का नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके ऊपर आक्षेप लगाया उन्होंने कि ये राज्य का शासन
अच्छी तरह नहीं चला रहे, यानी कुशासन अच्छे तरह से प्रबंधन नहीं कर पाने के कारण उनके राज्य को उन्होंने ले लिया। हैदराबाद का निजाम था, उसको उसके ऊपर भी उन्होंने कुशासन का आरोप लगाया और उस आरोप को लगा करके उसके राज्य को हड़प लिया। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा कारण था, भारतीयों में पिछले 100 सालों का जो अंग्रेजों का शासन था उस शासन के प्रति एक अविश्वास और असंतोष पनपा। जो भी लोग थे मुख्य रूप से उत्तर भारत, मध्य भारत, इन जगहों में क्या हुआ कि इन कि अंग्रेजों के प्रति आम जनमानस में भी कुछ असंतोष की भावनाएं और अविश्वास, ये भावना आ गई कि ये हमारे साथ बहुत ही गलत या किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जैसे हम लोग गुलाम हैं और दास हैं। तो ये सब राजनीतिक कारण थे। दूसरा कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में कुछ ऐसे ही कुछ अलग तत्व हैं, जैसे दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। भूमि व्यवस्था का मतलब होता है कि जैसे अंग्रेज किसी राज्य में अपने अधीन किसी शासक को या जागीरदार को रखते थे तो उनसे लगान वसूल करते थे, और वो लगान मनमाना होता था। मनमाना का मतलब क्या हुआ कि कोई हिसाब नहीं होता था कि जो उपज होगी उसका कितना बड़ा हिस्सा, कहीं पांचवा हिस्सा, कहीं छठा हिस्सा, कहीं चौथा हिस्सा, कहीं कहीं आधा या कहीं कहीं 3/4 तक लगान ये जागीरदार, जमींदार या शासक उनसे वसूलते थे, जिसकी वजह से, और कोई भू राजस्व की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से भी लोगों में असंतोष पनपा। दूसरा कारण था बेरोजगारी। अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारी जो सबसे मूल आर्थिक शक्ति थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया उन्होंने। हमारे यहाँ छोटे छोटे कुटीर उद्योग और छोटे छोटे काम होते थे, छोटे छोटे व्यापारी थे, उद्योग धंधे थे, उनको उन्होंने बंद कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि इंग्लैंड से या विदेशों से बना हुआ सामान भारत में भेजते थे और वही माल या वही सामान भारतीयों को खरीदना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी और आर्थिक मंदी या आर्थिक कमी की बात आ गई और लोग जो है निर्धन होते चले गए, गरीब होते चले गए और बेरोजगारी आ गई। अब मैं आता हूँ धार्मिक कारण के ऊपर। धार्मिक कारण भी इसके इस आंदोलन के प्रति जो है बहुत बड़ा बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्होंने हमारी जो भारतीय सनातनवादी हिंदू परंपरा थी, हिंदू धर्म था, उसके ऊपर कुठाराघात किया। इसके साथ साथ हमारे देश में मुस्लिम धर्म ही था, इस्लाम धर्म जो सल्तनत काल से, मुगल काल से होता हुआ चला आ रहा था, इन दोनों धर्मों के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा प्रहार किया और अपने धर्म जो उनका अपना ईसाई धर्म था उसके प्रचार प्रसार को उन्होंने प्रमुखता दी और बहुत से लोगों को लालच दे करके, उनको नौकरी का लालच, जागीर का लालच, जमीन का लालच, इस तरह का लालच दे करके उन्होंने ईसाई बनाया। इसके साथ साथ उन्होंने जातिवाद को खत्म करने का भी प्रयास किया, क्योंकि हमारे यहाँ एक वर्ण व्यवस्था चलती थी पहले से, उस वर्ण व्यवस्था को भी उन्होंने ध्वस्त किया और सेना में उन्होंने जो एक कारतूस एक इस तरह की गन बनाई जिसमें उन्होंने इस तरह का कारतूस प्रयोग करना पड़ता था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक होते थे, उन सैनिकों को कारतूस को प्रयोग करने से पहले मुंह में लगा करके उसको खींच करके निकालना पड़ता था उसका एक हिस्सा, तब वो बंदूक में उसको भर सकते थे। ये भी धर्म के खिलाफ जाता था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। अब आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में उन्होंने क्या किया कि दो तरह की व्यवस्था बनाई, एक अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों को स्वतः ही उच्च स्थान प्राप्त था, चाहे वो नौकरी हो, समाज में हो या किसी भी शासन के पदों पे हो, एक अंग्रेज हमेशा उच्च पद पे होता था और भारतीयों को हमेशा छोटा पद या निम्न पद दिया जाता था,
और सामाजिक असमानता भी थी कि एक अंग्रेज अगर कहीं जा रहा है तो उसके साथ भारतीय नहीं चल सकता था, उसको निम्न या हे दृष्टि से देखा जाता था। इसके साथ साथ इन्होंने जो हमारी कुछ प्रथाएं सामाजिक चली आ रही थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, इन पर रोक लगाई। इसकी वजह से भी हमारे जो भारतीय जनमानस में एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। अगला कारण है सैन्य कारण। सेना जो कि जिसमें ज़्यादातर लगभग 7/8 इतना बड़ा हिस्सा भारतीयों का होता था, एक हिस्सा अंग्रेज होते थे जो उच्च पदों पे होते थे, बाकी जो छोटे पद होते थे उन पे भारतीय होते थे सेना में भी, उनको अंग्रेजों से कम वेतन मिलता था। जो भी भारतीय थे उनको सेना में एक तो पद बड़ा नहीं मिलता था और दूसरा वेतन भी कम मिलता था। इसके साथ साथ जो सैनिक थे उन्हें सैन्य अभियानों के लिए कई बार समुद्री यात्राओं का भी सामना करना पड़ता था। तो हमारे भारतीय जनमानस में समुद्री यात्रा को एक तरह से निषेध माना जाता है कि कोई समुद्री यात्रा करके आता है तो उसको समाज में स्वीकार नहीं किया जाता था। तो इस तरह से कुछ सैन्य कारण भी थे। अब हम बात करेंगे कि ये जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसकी घटनाएं किन किन स्थानों पे हुई और किन लोगों ने की और किस समय की। अब मैं इसको क्रम से चलूंगा। पहली घटना जो हुई थी वो बैरकपुर छावनी थी। वहाँ पे 34 BI बटालियन इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बोला जाता था, उस बटालियन में मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था। जिसने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया और इसकी वजह से अन्य सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और उन्होंने लेफ्टिनेंट बांग और लेफ्टिनेंट जनरल चूशन, इन दोनों को मंगल पांडे ने गोली मार दी थी। इसकी वजह से बहुत सारे सैनिक विद्रोह कर गए और बाद में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। तो इस तरह से पहला जो विद्रोह हुआ वो बैरकपुर में हुआ। दूसरा विद्रोह मेरठ में हुआ था। मेरठ छावनी थी जिसको हम कैंट बोलते हैं, सैनिक छावनी। वहाँ पर जब ये मंगल पांडे का वाक्या हुआ तो उसके बाद ये बात फैलकर वहाँ पी गई और वहाँ के भी सैनिकों ने वो कारतूस जो मुँह से खींच करके लगाना पड़ता था उसके बारे में उसको प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मेरठ का विद्रोह 10 मई को हुआ था, 10 मई 1857 को। तीसरा विद्रोह दिल्ली में हुआ। दिल्ली जो मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय वहां पे शासन कर रहा था। उसके नेतृत्व में 11 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को हटाकर दिल्ली को स्वतंत्र घोषित कर दिया। चौथा विद्रोह हुआ था लखनऊ में। यहाँ पे बेगम हजरत महल के नेतृत्व में 4 जून 1857 को एक विद्रोह हुआ और लखनऊ को स्वतंत्र घोषित किया गया। अगला विद्रोह पांचवा कानपुर में हुआ। ये 6 जून 1857 को हुआ था। इसका नेतृत्व नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था। नाना साहेब, जैसा कि आप जानते हैं, उनकी पेंशन रोक दी गई थी और इसके वजह से वो काफ़ी नाराज़ थे।
उनका साथ तात्या टोपे ने दिया था और उन्होंने कानपुर में भी अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया और कानपुर में अंग्रेजों को खदेड़ दिया। छठा विद्रोह झांसी में हुआ। यह विद्रोह 5 जून 1857 को हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो पूर्व में उनका नाम मणिकर्णिका था, वो अपने पति की मृत्यु के बाद वहां की रानी बनी थी। उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उनको वीरगति भी प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने झांसी का नेतृत्व किया था। सातवां विद्रोह इलाहाबाद में हुआ था, जिसको आज हम प्रयाग कहते हैं, या आधुनिक इलाहाबाद भी कहते हैं, अभी प्रयागराज हम बोलते हैं। यहाँ पर लियाकत अली एक नेता थे, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। आठवां विद्रोह जगदीशपुर में हुआ था। जगदीशपुर बिहार में एक जगह है। यहाँ पे 12 जून 1857 को कुंवर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह हुआ। कुंवर सिंह ने वहां विद्रोह करते हुए अंग्रेजों को खदेड़ दिया था और बलिया तक आ गए थे वो। इसके बाद नवा विद्रोह बरेली में हुआ था। ये जून 1857 में ये विद्रोह भी हुआ था। इसका नेतृत्व खान बहादुर खां। खान बहादुर खां ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्होंने इसको आजाद कराने का प्रयास किया। अगला विद्रोह फैजाबाद, जिसको हम अयोध्या भी अभी करते हैं, उसका नाम अयोध्या इस समय आधुनिक है। वहां पे मौलवी अहमदुल्ला करके एक मौलवी हुआ करते थे, इन्होंने फैजाबाद में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। इसके बाद अगला 11वां विद्रोह फतेहपुर में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था और इन्होंने यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह का बिगुल बजाया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया था। 12वां जो स्थान है वो मध्य प्रदेश में, यहाँ पे रायगढ़ की एक रानी थी जिनका नाम था जयंती बाई, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया और विद्रोह कर दिया और उनको वहां से अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये 1857 का विद्रोह था, इसके मुख्य रूप से क्या कारण थे वो मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा कहां कहां पे ये विद्रोह हुआ। तो आज की क्लास में मैं यहीं तक, अब इसके आगे वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके असफल, क्योंकि ये सफल नहीं हो सका था, असफल होने के क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम निकलेंगे। आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे।